कैसे बॉलीवुड के खानों को हिंदुओं की ताकत ने ध्वस्त कर दिया। अब बॉलीवुड के खानों को हिंदुस्तान में कोई नहीं पूछता है। बेटी जैसी उम्र की लड़की के साथ इनका रोमांस अब खत्म हो गया। समय जब करवट लेता है तो राजा को रंग बनने में देर नहीं लगती। एक समय था जब तीनों खान बॉलीवुड के राजा हुआ करते थे और पूरी इंडस्ट्री पर राज करते थे। बॉलीवुड में तीनों खानों का सिक्का चलता था। इंडस्ट्री का कोई दूसरा सितारा इनके सामने नहीं टिक पाता था। लोगों का भी इन्हें भरपूर प्यार मिलता था और वे इनकी फिल्में देखने के लिए थिएटर में उमड़ पड़ते थे। अब वक्त बदल चुका है। आज के समय में तीनों खानों की फिल्मों का क्या हाल होता है उससे हर कोई परिचित है। हमें पता था कि बायकॉट अभियान का लाल सिंह चड्ढा पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, परंतु ऐसा बाप रे बाप, इस फिल्म पर कौन सी कुदृष्टि पड़ी, इसके लिए तो सच में विशेष शोध की आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि इस फिल्म को न तो मीडिया का पीआर बचा पाया, न आमिर खान का विक्टिम कार्ड, और अब तो ओटीटी पर इसे कोई खुलेआम स्वीकारने को तैयार भी नहीं है। लाल सिंह चड्ढा की इतनी बुरी हालत है कि नेटफ्लिक्स ने अपना ओटीटी अनुबंध तक इससे रद्द करने का निर्णय किया है। लाल सिंह चड्ढा ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से दम तोड़ दिया है। लाख प्रपंच और प्रचार प्रसार के बाद भी इस फिल्म को अब तक घरेलू कलेक्शन से मात्र 55.53 करोड़ रुपए मिले हैं, जो 180 करोड़ रुपए के विशालकाय बजट के मुकाबले मुगफली समान है। विदेशी कलेक्शन तो इस फिल्म का काफी शानदार बताया जा रहा है, परंतु वह भी इस फिल्म का सम्मान बचाने के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा का कुल कलेक्शन लगभग 114 करोड़ है, जो एक सुपर फ्लॉप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। परंतु कथा यहीं पर खत्म नहीं होती। लाल सिंह चड्ढा के प्रदर्शित होने से पहले आमिर खान इस फिल्म के सक्सेस से इतने आशान्वित थे कि उन्होंने चौड़ में आके कह दिया कि मेरी फिल्म 6 महीने बाद ही ओटीटी पर प्रदर्शित होगी। परंतु यहां सारा खेल ही उल्टा पड़ गया। अब नेटफ्लिक्स लाल सिंह चड्ढा के लिए 90 करोड़ रुपए तक की रकम देने के लिए तैयार था, परंतु आमिर खान की लगाई कीमत 125 करोड़ रुपए नेटफ्लिक्स के हिसाब से बहुत अधिक थी। आमिर को उम्मीद थी कि जब फिल्म रिलीज होगी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करेगी, परंतु परिणाम क्या है, सर्वविदित है। नेटफ्लिक्स और लाल सिंह चड्ढा के मेकर्स के बीच यह बातचीत एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी थी। दावा किया गया है कि आमिर खान अपनी इस फिल्म के डिजिटल राइट्स के लिए 150 करोड़ रुपए की बड़ी रकम मांग रहे थे। मोल भाव का दौर जारी था और आमिर खान फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने के लिए बहुत उत्साहित थे। ऐसा इसलिए कि यह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और साथ ही इसके 200 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं।